ज़िंदगी जैसे पहेली जैसे की कोई सहेली जिंदगी जैसे कहानी थोड़ी नई थोड़ी पुरानी कभी चाबुक कभी चॉकलेट कभी रौनक कभी धक्कम पेल ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है बट ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में कुछ भी हो सकता है अगर एक 90 साल के बुजुर्ग फौजा सिंह मैराथन की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है अगर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझता साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग दुनिया का सबसे मशहूर फिजिसिस्ट बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है और अगर अपना कॉलेज खत्म किए बिना रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर में नोबेल प्राइज हासिल कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों ऊपर वाले ने हम सबको एक अनोखी पहचान दी है इस जीवन में कुछ अनोखा करने के लिए इस सोच के साथ वेलकम टू तो द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है हमारी जिंदगी की सोच का दायरा प्री कंसीव नोशन यानी पूर्वकाल्पिक धारणा से घिरा होता है कोई भी अनोखी घटना हमारे लिए एक अपवाद यानी एक्सेप्शन बन जाती है हम सोचने लगते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हो सकता और फिर किस्मत पर मटकी फोड़ना तो हमारी खानदानी आदत है एक छोटे कद का आदमी कभी बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता शरीर से भारी आदमी डांसर नहीं बन सकता और एक आम दिखने वाला आदमी कभी अभिनेता नहीं बन सकता यह है हमारी लाइफ के प्री कंसीव नोशन मैं भी इसी प्री कंसीव नोशन का शिकार था मेरे सर की खेती कॉलेज में ही उजड़ गई थी सब कहते थे कि जिसको जवानी में ही बुढ़ापा आ गया वो एक्टर क्या बनेगा इसका तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा लेकिन कुदरत का चमत्कार देखिए कि सारांश का बुढ़ापा मेरी पहचान बना और बालों का ना होना मेरी शान दोस्तों याद रखिए आपकी सबसे बड़ी खासियत आप खुद हैं द तो बेस्ट थिंग अबाउट यू इज इस यू इसलिए असंभव के लिए तैयार रहिए क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आज जो मेरे मित्र यहाँ आए हैं उनके जीवन की यात्रा एक अद्भुत एहसास है इनकी निष्ठा दृढ़ता संघर्ष और कामयाबी अपने आप में एक पूरा युग है इनके जीवन का एक पन्ना आपके जीवन की किताब बन सकता है दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक प्लीज वेलकम नसीरुद्दीन शाह नसीर साहब थैंक यू आपने ज्यादा कुछ तारीफ कर दी मेरी बिल्कुल नहीं मैं तो कम शब्द पढ़ रहे थे मैं तो बहुत तारीफ कर सकता से सोच रहा था कि आज आपसे बात करनी है मैं क्या सवाल आपसे पूछूं मैं बहुत सारी चीजें <laughs> आपके बारे में जानता हूं तो मैंने कहा कि शुरुआत से ही शुरुआत करता हूं चलिए नसीर साहब कितने साल हो गए आपको एक्टिंग करते हुए प्रोफेशनली या बाथरूम बाथरूम इंक्लूडेड आई वुड से अबाउट Uh, 50. Golden uh, जुबली चल रही है। लेकिन तो कम से कम से yes. क्योंकि चौदह साल का था मैं जब नाइन्थ स्टैंडर्ड में थे आपने। standard में। और आपने merchant of Venice किया था। Correct. और हाँ. उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दिस इज वेयर आई बिलोंग इस जगह से मुझे कोई नहीं हिला सकता चाहे कुछ भी हो वालिद साहब बहुत मेरे पीछे पड़े थे जैसा कि आपके सब साथ युवा होगा भाई डॉक्टर हाँ, बन जाओ इंजीनियर हाँ, बन जाओ हाँ, फौज में चले जाओ पर ये इसका एहसास कैसे हुआ आपको उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं मैं आपको दे दूं कि बहुत ही बुरा स्टूडेंट था हाँ, मैं क्लास में लास्ट आता था फिजिक्स केमिस्ट्री ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो समझाई जाती थी कुछ मेरी समझ में नहीं आती थी अलावा लिटरेचर के मुझे किसी चीज का मेरा रुझान नहीं था मेरा और हमारे स्कूल में बड़े सारे नाटक होते थे बहुत अच्छे अच्छे जिसमें कभी मुझे कोई मतलब ट्राई आउट भी नहीं किया गया अच्छा क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट थे उन्हीं को रोल मिलते थे तो खुद मैंने इनिशिएटिव लेकर चार दोस्तों को इकट्ठा किया और मर्चेंट जिनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ जेफरी केंडल साहब जो हमारे स्कूल आते थे हर साल जी तो उनकी नकल करने से मैंने शुरू किया

Being, जो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती थी आपकी आंखों के सामने इसका इस बात से लेना था कुछ नसीर साहब कि आप इन पर्सनल लाइफ यू आप जब आप छोटे थे तो आप बहुत शर्मिले किस्म के इंसान थे और आपको कोई एक एक्सप्रेशन चाहिए था तो उस वर्ल्ड में वो शर्म आपने खासी रिसर्च की है मुझे लगता है थोड़ा बहुत ट्रू एंड की नकल करके मुझे एक एस्केप मिल जाता था फ्रॉम The reality which which I hated, which was uninteresting. My life रियलिटी विच आई हेटेड विच वॉज अन इंटरेस्टिंग माई लाइफ brothers अ बोर scholarly नो scholar थे एक champion athlete थे तो दोनों तरफ से मैं मार खाता था <laughs> कि ना मैं ये था ना मैं वो था <laughs> और सबसे छोटा भाई होना वैसे तो <laughs> जितने छोटे भाई मौजूद हैं यहाँ पर उनको सबको मालूम होगा कि छोटा भाई जो होता है इज ऑफ नो यूज टू गॉड मैन और बीस्ट आपका शर्मीला होना या इंट्रोवर्टिश होना इसका रीजन क्या था ये काश मैं समझ पाता बिकॉज आपके वालिद साहब ने और आपकी अम्मी जी ने तो आपको परवरिश तो वही दी होगी जो बाकी बच्चों को देते थे शायद मेरे वालिद साहब को मुझसे उम्मीदें ज्यादा थी अच्छा। वो, वो, वो उम्मीद रहे मुझसे थ्रू आउट और इस बात का मुझे अफसोस रहेगा हमेशा के कभी भी वो relationship हम नहीं कर पाए so, तो वो उसका गम है ख़ैर तो जो आपने वो शायला को किये, वो किस को किसको दिखाया आपने एक नोटिस हमने लगाया अच्छा कि क्लास नाइन प्रेजेंट्स मर्चेंट ऑफ अच्छा डायरेक्टेड बाय शाह नीच इज हाउ माय नेम वाज रजिस्टर्ड इन स्कूल शाह शाह नसीर ओके एंड दैट वॉज द डे दैट माई लाइफ चेंज आई हैव टू से और इसीलिए मुझे थिएटर से इतना प्यार है और इतना लगाव है और इतना ग्रेटिट्यूड महसूस करता हूँ थिएटर की तरफ कि आई कैन नेवर रिपीट एन आई वेंट ऑन स्टेज और जो पहली दफा स्टेज लाइटिंग का एहसास मुझे हुआ hmm. कि कितनी चौधिया देने वाली वो

and my heart was thudding. i thought it would burst out of my chest. but then i spoke the line and the audience laughed. and, you it, yeah. and it was the first time anybody had ever laughed at anything i had ever said. this is the first time anybody is ever listening to anything i have ever said. because i was the zero in the. You class, have in the then, yeah. i am worth something. आप कुछ हैं हाँ आपके घर वाले वो, वो परफॉर्मेंस देखने आए थे नहीं आपने बुलाया नहीं था वो आए नहीं नहीं बुलाया नहीं था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था पता चलता तो दो हंटर पढ़ते अच्छा क्या ड्रामा कर रहे हो <laughs> एक तो लास्ट आते हो क्लास में ऊपर से ड्रामा कर रहे हो <laughs> क्रिकेट मैच खेलने में छुप के जाया करता था कि एक्स्ट्रा क्लासेस है थिंग और मेरे वालिद साहब ने मेरा कोई काम नहीं देखा ऑन स्टेज Uh, एक मेरी पहली फिल्म देखी उन्होंने निशांत निशांत देखी जो जिसको देख काफी खुश हुए एक तो मैंने अपना नाम नहीं बदला था अच्छा उससे वो बहुत खुश हुए। हाँ। और ये किया था कि अपना नाम बदलो आप फिल्मों में आ गए जब निशांत की शूटिंग हो रही थी तब ये जिक्र हाँ। चला अच्छा कि भाई बड़ा लंबा नाम है और लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे तो मैंने कहा भाई शत्रुघ्न सिन्हा छोटा सा नाम है क्या क्या आ, क्या प्रूफ करना चाहते थे आप एक्टर बन के मजा आता था एक्टिंग करके प्रूफ कुछ नहीं आप किसी और की जिंदगी जीते थे इसलिए शुरुआत तो वहां से हुई ये अच्छा। मैं मानता हूं और मेरे ख्याल से शुरुआत हर एक्टर की वहीं से होती है जी बिल्कुल एक तो अपने होने का एहसास होता है अपने होने का एहसास होता है और अपनी पर्सनैलिटी की कमियों को क्यूरली दो सौ वोटों के कम एक्टर्स अपने आप को एग्जामिन करते हैं कि यार मेरी मेरी शक्ल छम्मी कपूर जैसी क्यों नहीं है तो उन कमियों से एक बचाव पाने के लिए आई थिंक एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ फिर आगे कैसी जिंदगी बढ़ी आपकी यूनिवर्सिटी जी टू स्टडी ग्रेजुएशन इन बी ए इन इंग्लिश वहां मुझे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की एक जगह है दिल्ली में जहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है थिएटर की और दो सौ रुपए महीना स्टाइपेंड मिलता है ऊपर से जी मैंने कहा ये तो जन्नत की आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हो मुझे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको सिर्फ एक्टिंग करनी पड़े और ऊपर से पैसे भी मिले तो <laughs> मैंने कहा वाह क्या कहने और मैंने अप्लाई किया और मैं गया वहां का किस्सा तो खैर आपको भी मालूम है और जी और आपके अपने तजुर्बे थे मेरे बट इट वॉज द थ्री हैस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ मेरे मेरे, मेरे लिए भी तीन साल जिंदगी सिर्फ उसी माहौल में थिएटर के किताबों के सुबह से रात तक विश्वास नहीं होता था कि ये रियल है फिजिक्स हाँ. भी नहीं पढ़ाई जा रही मैथमेटिक्स भी नहीं करवानी पड़ती <laughs> <laughs> आपका इस दौरान अपने आप से तारुफ होता रहा डिड यू आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे थे कि मैं किस किस्म का इंसान हूं इस दौरान उ, नहीं वो तीन साल हालांकि वो मैं बहुत खुश रहा हाँ. और जन्नत जैसा जैसा स्टेट था आ, मैंने उन तीन सालों का इस्तेमाल नहीं किया जितना के फॉर एग्जाम्पल ओम पुरी ने किया अच्छा जो ओम का जो डेवलपमेंट था उन तीन सालों में वो देखने लायक था और मैं ओम आपके क्लास फेलो मेरे क्लास फेलो था अच्छा और फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड इन पटियाला और तीन साल में मैंने ओम की जो ग्रोथ देखी एज एन एक्टर एज अ पर्सन एज इन कॉन्फिडेंस इन इज एबिलिटीज जो मुझ में बिल्कुल भी नहीं आई थी मुझे ये तीन साल खत्म होने पर एहसास आया हुआ इस बात का बहुत बड़ा झटका मुझे लगा कि मैं तो ऐसा ही एक्टर था जब मैं आया था यहां श्योरली आई शुड है इन तीन सालों में नसीर साहब ये बहुत अच्छा मौका है ओम जी को यहां बुलाने का जो मेरे अगले मित्र आने वाले हैं उनकी कला और हुनर एक रूहानी एहसास है उनके वैभव में इतनी शक्ति है कि सिर्फ उनकी उपस्थिति आपको मग्न कर दे विश्व के सबसे प्रभावशाली एक्टर्स में से एक प्लीज वेलकम ओम कुछ ब्लेसिंग्स दे दी आइए सर आपके पाँव छू बड़ा अच्छा लगा नसीर साहब आप यहाँ आ जाइए आप मैं उधर जाऊँ हाँ बीच में यार जी पूरी साहब जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं क्या बात हाँ। <laughs> है? कर रहे हैं हाँ सीरियसली कर सर ये इस फ्रेम में जिस फ्रेम में मैं नसीर और ओम को देख रहा हूँ काश मैं इधर की जगह आपके बीच में बैठा होता एक खजाना है बहुत अच्छा खजाना है बहुत खूबसूरत खजाना है मतलब मैं इस फ्रेम को ताउम्र देख सकता हूं अभी नसीर साहब से बात हो रही थी आपके बारे में बात कर रहे थे आप मुझे कुछ शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं नसीर अरे <laughs> खजाना है कहीं लूटोगे तो नहीं <laughs> नहीं, नहीं। <laughs> सर इस खजाने को ना लूटो तो फिर क्या हुआ एक्टर बनने का क्या फायदा है फिर ये भी बात ये बात भी सही है ना आपके बारे में बता रहे थे नसीर साहब कि आपने जिंदगी की शुरुआत और मैं मैं भी जानता हूं आपके बारे में थोड़ा बहुत कि आपकी जो शुरुआत थी वो बहुत ही आ, हम सब की शुरुआत जैसे आ, थी लोअर मिडिल क्लास से थी निम्न वर, वर्गीय परिवार से जी और आ, आपने एक्टर बनना कैसे सोच लिया आ, ये इतफाक था जब स्कूल में जैसे आप कबड्डी खेलते थे हॉकी खेलते थे ऐसे ही नाटक भी किए हाँ तीन शॉर्ट प्लेज किए थे लेकिन ये तब नहीं था दिमाग में कि मैं एक्टर बनूंगा मैं दरअसल आर्मी में जाना चाहता था जी जब स्कूल में था हाँ। कॉलेज में जाके फिर इसका जो है वो शौक़ पैदा हुआ और वो भी उसकी वजह यह थी कि वहाँ पे पटियाला में कॉलेज के दौरान जो यूथ फेस्टिवल होता है उसमें मैंने नाटक में भाग लिया और उसके जो जजेस थे उनमें से एक हरपाल टीवाना थे जी जो नेशनल स्कूल ड्रामा से पढ़े हुए थे जी जी तो बोले तुम हमारा थिएटर ज्वाइन करो अच्छा मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता कि मैं दिन में नौकरी करता हूँ और शाम को कॉलेज जाता हूँ अच्छा तो बोले क्या नौकरी करते हो मैंने कहा जी कॉलेज में लैब असिस्टेंट हूँ अच्छा तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो तुम डे स्कॉलर हो जाओ और नौकरी हमारे यहाँ करो और नाटक में काम करो वो नौकरी है वो नौकरी है अच्छा मैंने कहा यार और क्या चाहिए और कितनी तनख्वाह मिलती है मैंने कहा एक सौ पच्चीस बोले मैं डेढ़ सौ दूंगा वाह तो तुम आ जाओ अच्छा तो मैं ही एक एक्टर था जिसको पैसे मिलते थे थिएटर थे में एक सौ पचास रुपया महीने का महीने का वाह और, और आपने और वो आर्मी ज्वाइन करने का ख्वाब क्यों छोड़ दिया या ख्याल क्यों छोड़ दिया बस जब नाटकों में काम करने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ मैं बहुत घुटा हुआ था बचपन में अच्छा एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट और खासकर लड़कियों के मामले में तो मतलब उनसे भी ज्यादा शर्मिला अच्छा हाँ निगाह उठती ही नहीं थी अच्छा हाँ मन करता था निगाह उठाऊ अच्छा लेकिन उठती नहीं थी दो शर्मीले लोग एक्टर बनना चाहते थे जो बिल्कुल एक्सट्रोवर्टिश है हाँ लेकिन मुझे ये महसूस होता था कि मैं जो जिंदगी में महसूस करता हूँ जो डिस्पैरिटी है जिंदगी की जिससे चुभन होती है जिससे तकलीफ होती है कि क्यों गुर्बत है दुनिया में क्यों कोई अमीर है कोई गरीब है ये सब चीज़ें जहन में आती थी और आप कुछ कहना चाहते थे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे तो जिस तरह के हम नाटक कर रहे थे जो कि सोशली रेलिवेंट थे तो ऐसा लगता था कि आपके जो अंदर के भाव हैं उनको जबान मिल रही है उनको आप प्लेज के जरिए आर्टिकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी वो नशा बन गया पर आपने बहुत सारे और जॉब्स भी किए थे एक तो लैब में आप कॉलेज के के लिए और क्या क्या है? वकील के साथ मुंशी था अच्छा जिसने नाटक में काम करने के लिए मतलब मुझे परफॉर्मेंस दी मेरी चंडीगढ़ में हाँ। उसने मना कर दिया कि तीन दिन की छुट्टी नहीं दूंगा अच्छा मैंने कहा तो फिर अपनी नौकरी रख ले मेरा हिसाब कर दे अच्छा हाँ नौकरी छोड़ के चला गया आप तो कॉलेज के लड़कों को पता चला नौकरी छोड़ा है उन्होंने प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा प्रोफेसर जगह है है एक लैब असिस्टेंट की लेकिन ये तो आर्ट्स का स्टूडेंट इसको क्या पता साइंस के बारे में बोले कुछ नहीं जी कोई बात नहीं लड़के अपने आप कह देंगे नीली शीशी पकड़ा दे भाई पीली शीशी पकड़ा दे भाई वंडरफुल आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग रहे थे जिन्होंने अपने तरीके से आपकी हेल्प करी थी अरे बहुत सारे मुझे मतलब माँ बाप ने तो सिर्फ पैदा किया था अच्छा मुझे पाला दोस्तों ने है एक मेरे बगल में बैठा है oh, तो wonderful. तो ये है मैं उन सब दोस्तों का बहुत ही बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फिर आपने एनएसडी एस ज्वाइन कैसे किया एन एस स्कूल ऑफ ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इस तरह से ज्वाइन किया मैंने ख्वाहिश जाहिर की जवाना साहब को कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करना चाहता हूँ जी तो उस वक़्त मैं सरकारी नौकरी करने लगा था अच्छा क्लर्क था मैं हाँ। लोअर डिवीज़न क्लर्क था जी तो उन्होंने मुझे डिस्करेज किया उन्होंने कहा देखो तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता है जी और थिएटर में धन नहीं है और तुम गरीब परिवार से हो तो इसलिए तुम क्या कमाओगे कैसे कमाओगे बहरहाल मैंने अब ठान ली थी मैंने चुपके से अप्लाई कर दिया इंटरव्यू आ गई इंटरव्यू दे दी फिर सिलेक्ट हो गए फिर उनको बोल दिया गई हम तो सिलेक्ट हो गए हम तो जा रहे हैं और दो सौ रुपए का स्टाइपन भी मिल रहा है हाँ दो सौ रुपये का स्टाइपन भी मिल रहा है और सरकारी नौकरी हमने छोड़ दी नसीर साहब तो बड़े कैलकुलेटेड सर... रिस्क लिए जिंदगी में जी बिकॉज लूज करने को कुछ नहीं था लूज करे नसीर साहब आपकी पहली मुलाकात फर्स्ट मेमोरी ओम जी की क्या है पहले दिन स्कूल पे ओम और जसपाल दोनों पटियाला से आए थे जी मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तीसरी मंजिल पे था स्कूल जी तो ओम खड़े हुए थे वहां पर जसपाल बाथरूम के अंदर था हाँ। सफेद कमीज पहने हुए थे दोनों मुझे अच्छा। ये याद है अच्छा और जैसे ही मैं सीढ़ियों पर से आया ओम ने कहा कि माय नेम इज ओम पुरी अच्छा अंग्रेजी में बोले हाँ अच्छा मैंने कहा माय नेम इज नसीर शाह मैंने ये सोचा कि बड़ी अच्छी आवाज है इसकी काश्मीरी आवाज ऐसी होती है मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जसपाल एक एक्टर एक थे इनके क्लास फेलोज़ थे और बहुत अच्छे एक्टर्स थे और पूरी साहब आपके इनकी फर्स्ट मेमोरीज कुछ हैं आपको याद है कुछ मेरी इनकी जो आ, हमारी कितने साल की दोस्ती है भैया 70s 40 के करीब हो गए 76 से, <laughs> से <laughs> आ, नहीं भाई 70 से 70 से तो बहरहाल 44 से ऊपर नसीर साहब ने ही बिकेम वेरी ग्रीडी नॉट ही इनकी जो गर्लफ्रेंड थी अच्छा। उन्होंने इनको उकसाया अच्छा के देखो अच्छे एक्टर तो तुम लोग हो ही तो तुमको रोल मिलेंगे अच्छा तो तुम डायरेक्शन का कोर्स करो इनको बोला हाँ। अच्छा तो इन्होंने और नसीर जसपाल ने डायरेक्शन कोर्स ले लिया अच्छा और हम एक्टिंग में में थे इनकी आंखों ग्ली नजर आ रही अभी भी ये सेकंड ईयर की बात है जी तो एक प्ले कास्ट हो रहा था सूर्यमुख अच्छा मेन रोल जसपाल पढ़ रहे थे अच्छा और हमको मौका ही नहीं दे रहे थे पढ़ने का हम अंदर से मतलब घुट रहे घुट रहे थे जी तो मैंने हिम्मत करके अंग्रेजी में अलकाजी साहब से क्लास में कहा सर आई वांट टू से समथिंग अच्छा उनकी निगाहें ऐसे घूमी कि ये साला पहला सेंटेंस इसने कॉन्फिडेंटली बोला जी। बोले यस आई सेट सर वी आर एक्टिंग स्टूडेंट्स, अच्छा दे आर डायरेक्शन स्टूडेंट्स, द प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द एक्टर्स, सो द मेन रोल यू आर नॉट गिविंग अस अ चांस टू रीड द मेन रोल अच्छा ही इज अ डायरेक्शन स्टूडेंट सो अ चांस शुड बी गिवन टू अस ये आपने पूरा सेंटेंस पूरा सेंटेंस अंग्रेजी में बोल दिया अलकाजी साहब दस सेकंड के लिए बौखलाए और मुझे घूरा <laughs> बोले कल पढ़ के आना रीड इट टुमारो यू रीड इट दो तो बहरहाल अगले दिन रोल पढ़ा <laughs> और वो रोल हमें मिल गया क्या बात है हाँ। फिर मैं उठा उठ के दरवाजा खोला बाहर निकला देखा सामने नसीुदीन शाह खड़े हैं अच्छा और इन्होंने एक जो सेंटेंस बोला वो Just एक मिनट आपको याद है वो सेंटेंस आपको भी याद है आप, आप बताइए <laughs> सर याद है इनको आई न्यू यू वुड स्पीक वॉट आ सेंटेंस क्या बोला आई न्यू यू विल स्पीक वन डे तो लेकिन उसकी दोस्ती की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई ये मैं आपको बताता हूं जी मैं अंग्रेजी से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जी क्योंकि मैं पंजाबी मीडियम से पढ़ा था जी और यहाँ अंग्रेजी मीडियम था ऐसे भाईजान कॉन्वेंट वाले भी थे जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी तो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स था जी आ, अलकाजी साहब को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने मेरे पीछे जासूस लगाया है मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं अलकाजी साहब हम तीनों के गुरु थे हेड ऑफ़ द डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जी तो क्या पता करो इसकी तक इसकी प्रॉब्लम क्या है ये क्यों घुटा घुटा सा रहता है अच्छा तो उन्होंने पता किया मैंने कहा भैया मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ बोले क्या बात मैंने कहा अंग्रेजी नहीं आती मुझे तो अलकाई साहब ने मुझे बुलाया बोले देखो तुम मत बोलो अंग्रेजी में तुम हिंदी में बोलो और अंग्रेजी इम्प्रूव करने के लिए अखबार पढ़ो ऊँचे ऊँचे दोस्त लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं उनके साथ अंग्रेजी बोलो गलत बोल रहे हो अगर वो हंसे भी तो भी चिंता मत करो और मैंने वो सब बातें मानी और अब मैंने कुछ बाईस तेईस अंग्रेजी फिल्में कर डाली है। क्या बात है ये <laughs> कौन सोच था। सकता था कि सॉरी टू यू एक दिल्ली के पंजाबी का रोल मुझे मिलेगा और इंग्लैंड के मुसलमान का रोल इन्हें मिलेगा क्या <laughs> बात है इसीलिए साहब इसीलिए मैं कहता हूं कि लाइफ में तो राइट लुक्स के ऊपर बात बहुत चलती है हिंदुस्तानी सिनेमा बड़ी जरूरी है हाँ और हिंदुस्तानी सिनेमा जब खासकर 80s 70s मिड 70s और 80s में तो लुक्स वर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि लुक्स है कि नहीं बाल है कि नहीं आ, चौड़ा सीना है कि नहीं नसीर साहब आपको इस बात का कभी कॉम्प्लेक्स था कि कॉम्प्लेक्स बिल्कुल था अच्छा हालांकि हौसला बढ़ाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर भी अपियर हो गए थे तब तक जी जी सिर्फ खूबसूरत चेहरे नहीं थे जी ये कैरेक्टर वाले चेहरे भी आने लगे थे जी और आ, मुझे आ, ये मालूम था कि मेरी शक्ल फिल्म स्टार जैसी नहीं है और इसको बात को एक्सेप्ट करने में तकलीफ तो हुई लेकिन आई वॉज एबल टू लिव विद इट आई रियलाइज कि मुझ में एडवांटेज ये है कि मैं अपने चेहरे को बदल सकता हूँ और हैंडसमनेस का तो ये है सीधी बात कि यू आर हैंडसम एज यू फील एक ओम की और मेरी तस्वीर है एन एच डी के दिनों की जिसको देख के शबाना आजमी ने यह कहा कि दो इतने बदशक्ल इंसान कैसे ये जरूरत कर सकते हैं एक्टर बनने की ना तो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, तुम्हारी? क्या सो इट इज रियली आई थिंक आई थिंक इट ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा भी लगता है कि बिकॉज uh, uh, खूबसूरती एक मापदंड नहीं थी हमारे लिए या uh, आप लोगों के लिए मैं तो खैर बचपन से ही खूबसूरत था <laughs> तो शायद <laughs> <laughs> तो उसकी वजह से आई थिंक अपने क्राफ्ट पे हमने ज्यादा ध्यान दिया बिकॉज <laughs> हमको कुछ और प्रूव करना था पुरी <laughs> साहब ऐसा आपको लगा था बिल्कुल देखिए क्या है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हम बहुत ऋणी है क्योंकि सही मानों में एक्टिंग क्या है वो वहां सिखाई गई और जैसा नसीर ने कहा कि हम अपना चेहरा बदल सकते हैं मतलब आप हम लोगों की नकल करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप अलग अलग तरह के किरदार कर रहे हो एक ही स्टाइल नहीं है जी तो ये अंतर है जी हमारे एन के ट्रेनिंग में जी और बाकी जो अपनी चेहरा शीशे में देख के आते हैं उनमें आप दोनों को कभी आपस में नसीर साहब एक दूसरे के प्रति जेलेसी का ईर्षा नहीं इर्शा बहुत मुझे हाँ हा, बिल्कुल जब ये सारी अंग्रेजी फिल्में इनको मिल गई अच्छा कैसे नहीं बहुत बहुत ईर्षा हुई मुझे बहुत सख्त अच्छा लेकिन खुशी भी हुई कि भाई ठीक है नहीं देखिये कर रहा हूँ मैं इनसे इतफाक नहीं रखता हूँ क्योंकि जब मुझे पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिला था कार्लो बारी में हाँ। और मैं वहां था किस फिल्म के लिए मिला था आ, अर्थ अर्थ सत्य, सत्य, के लिए। सत्य के लिए हाँ। तो उस वक्त नसीर साहब यहां थे और मैं वहां था तो प्रेस वालों ने इनसे पूछा कि भैया हाउ डू यू फील एंड वॉट इज योर रिएक्शन तो इनका रिएक्शन ये था कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट ही वॉज ओम वॉज बॉर्न विद वुडन स्पून इन हिज माउथ

क्योंकि मुझे, मुझे क्योंकि ओम का जो अर्धसत्य का जो परफॉर्मेंस है हाँ। मुझे नहीं लगता मैं ऐसा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ सच बोल रहे हैं बिल्कुल सच्ची बात है और जो इन्होंने पार में किया है स्पर्श में किया है वो मुझे लगता है कर कर लोगे कर लो और जो आपने दोनों ने किया <laughs> वो मैं नहीं कर सकता तो तो मैं तो इस समय ईर्ष्या से जला जा रहा हूं यहां पर। अरे कुछ यहां से निकल, रहे थे, यहां से निकल रहे थे और मेरे पास थिएटर के फोटोग्राफ्स हुआ करते थे राकेश श्रेष्ठा का या गौतम राजाध्यक्ष का पोर्टफोलियो नहीं होता था तो एक दिन मुझे सोहनलाल कंवर जी का फोन आया

अनो की डिफरेंट एक्सप्रेशन है ओ बट देखो कमाल है तो मुझे लगा कि अब तो इस ऑफिस से मैं मेन रोल लेके निकला तो तीन चार बार देख के उन्होंने फिर उन्होंने कहा पुत्र तू तो ठीक है तेरे पीछे कड़ा मुंडा है जड़ा एक्टर है मैंने कहा ये मर गया लास्ट मंथ <laughs> वो आनंद देसाई के बारे फोटो देख देख के तारीफ कर रहे थे तो ईर्षा तो बहुत होती है हमारे यहाँ स्कूल के एक्टर्स सब, सब आए हुए हैं हमारे स्कूल के मैं इनसे हमेशा ही कहता हूँ कि आप यहाँ दोस्ती जितनी मर्जी कर लो जब ऑडिशन होगा तो आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होंगे <laughs> आप दोनों में कभी एक म्यूचुअल एडमिनेशन थी मतलब एक दूसरे की काम की बिल्कुल है। रही है एडमिनेशन और क्रिटिकल भी रहे हैं एक दूसरे के ये बोल देते हैं कि इस फिल्म में बकवास काम किया है हाँ बिल्कुल जब पसंद नहीं आता एक दूसरे का हम तो ये भी आई थिंक प्रॉब्लली ओम इज ओनली दर्सन जिससे मैं ये साफ दिल रख के और बिल्कुल विदाउट फियर ऑफ बी मिस ये कह सकता हूँ कि भाई इसमें नहीं अच्छा लगा ये नहीं जमा मुझे नसीर साहब और पूरी साहब आप में से दोनों में से रोमांटिक ज्यादा कौन था साहब पुरी साहब पुरी हाँ, बहुत ज्यादा रोमांटिक अच्छा आशाना मिजाज पाया पूरी साहब ने छुपा के रखते हैं वो अच्छा हाँ मतलब मतलब ये एग्री कर रहे हैं आप फूल वूल ले जाते थे लड़कियों के लिए फूल ले जाते थे फूल ले जाते थे फल ले जाते आ, थे वो कभी मिठाई ले जाते थे अच्छा मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया अच्छा <laughs> आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी आप करते नहीं इनको जरूरत नहीं पड़ती थी <laughs> मैं समझ गया मुझे मेहनत करनी पड़ती थी ये अपनी अंग्रेजी से इतना प्रभावित कर लेते थे कि जो मोहतरमाए हैं वो खिंची चली आती थी चुंबक की तरह अच्छा और हमको भीख मांगनी पड़ती थी <laughs> <laughs> अल्लाह के नाम पे अल्लाह के नाम पे कुछ कर दो <laughs> अच्छा बहुत अच्छा When you look back, आप दोनों जब अपनी जिंदगी को देखते हैं तो उसको अगर सम किया जाए नसीर साहब कि तो क्या पाया और क्या खोया आपने एक अपने वालिद के साथ रिलेशनशिप जो था वो खोया उसके अलावा सिर्फ पाया है बहुत मैं अपने आप को खुशकस्मत मानता हूँ थोड़े सा क्रेडिट इसका मैं भी लेता हूं कि मैं सही जगह पर सही वक्त में मौजूद था आई थिंक आई हैड वेरी गुड लक सब आपने uh, नहीं मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है जिंदगी से क्योंकि इतनी लंबी जर्नी कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुँच गए लेकिन फिर भी uh, ये कह देना कि नहीं इसके बाद जगह नहीं है तो वो तो इट इक्वल टू डेथ तो लेकिन गिला भी है क्योंकि हमने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज देखी हैं इंटरनेशनल सिनेमा में तो बड़ी कुफ्त होती है कि वो मौके हमको क्यों नहीं मिले हम में दम है वो करने का ओम आई वुड प्रेफर टू थिंक कि हम एक ट्रांजिशन का हिस्सा हैं जो कुछ हमारे हिस्से में आया है आई थिंक इट्स बिन वे गुड नसीर साहब आप मुझे इतने सालों से जानते हैं है? मैंने आपने मुझे बैंड्रा के चर्च के पास एक बार जब मैंने अपनी जिंदगी पहली गाड़ी खरीदी थी और आप अपनी गाड़ी से गुजरे थे मुझे वो विजुअल जिंदगी में कभी भूलता ही नहीं है। तो नसीर साहब ने मुझे कहा था ऐसे और इनके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि मुझे वो खुशी का एक्सप्रेशन कभी भूलता नहीं मगर मुझे आपसे एक शिकायत है अच्छा आज जो इन्होंने घड़ी पहनी हुई है ये मुझे जलाने के लिए इन्होंने मुझे तीन बार बोला कि ये घड़ी मुझे नसीरुद्दीन शाह ने दी है और आपने जो घड़ी पहनी है वो बिल्कुल ऐसी घड़ी है जरा दोनों अपनी घड़ी दिखाइए भाई इनका इनका स्ट्रैप ज्यादा फैंसी है मतलब आपने इनको बेटर नहीं, नहीं स्ट्रैप बदलवा लिया इन्होंने <laughs> तो भी आप तो आपका गिफ्ट ड्यू है आप मुझे जरूर कुछ गिफ्ट दीजिए बहुत जरूरी ताकि मैं भी कहीं दिखा सकूं कि ये गिफ्ट मुझे नसीरुद्दीन शाह ने साहब ने दिया मैंने आपके साथ एक अच्छी फिल्म में काम किया हम हालांकि मिले नहीं फिल्म में ज्यादा वेडनेसडे में और ये आपके रूममेट या आपके क्लास फेलो थे इसका मतलब ये कई तो बार दे चुके हैं गिफ्ट जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट की इंटरव्यू के लिए गया था मेरे पास डिसेंट शर्ट नहीं था <laughs> तो इन्होंने अपना शर्ट दिया था बोले ये ये शर्ट होता <laughs> <laughs> और क्या किया <laughs> आपके लिए? पर? मैं, मैं इनका बहुत ऋणी हूं क्योंकि सचमुच मतलब वैसे गोविंद दहलानी श्याम बैनेगल मैं मानता हूँ मेरे मेंटर हैं यहाँ लेकिन मुझे जो धक्का दिया है अगर ये नसीरुद्दीन शाह मुझे धक्का नहीं देता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुंचता है से, इन्होंने ड्रामा के बाद फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया छुट्टियों में आए और मेरे साथ रहे और मुझे कहा तुम जो है फिल्म इंस्टीट्यूट पड़ेगा। तुमको अच्छा। आना पड़ेगा मैंने कहा भैया मेरे पास धन नहीं है मेरे पास कुछ धेला भी नहीं है He, sir, नहीं यू बैग स्टील बट यू हैव टू कम टू फिल्म इंस्टीट्यूट साहब आजकल ऐसी दोस्ती नहीं है इसकी क्या बेसिक बुनियाद है दोनों को अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि हम में कुछ है दोनों के पास है आज हम हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एक्टर हैं क्योंकि हम हम मतलब आप हम या हम 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 दो, हम हम दो तो, दोनों अच्छा क्योंकि तो आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हम फिल्म इंस्टीट्यूट भी गए हैं हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी गए हैं।, हाँ। हैं अच्छा और कौन गया है? बताओ दोनों मैं भी गया हूँ छह महीने के लिए इंस्टीट्यूट हम हम दो साल के लिए गए थे अच्छा माफी तीन साल माफ कर दीजिए तीन साल कुछ लो तीन तीन साल नेशनल स्कूल ड्रामा और दो साल फिल्म इंस्टीट्यूट अच्छा, पांच साल अब मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूं आपको बुरा लगेगा कि आपने मेरे को उसमें शामिल नहीं किया क्यों हूं? क्या 1972 में आप शिमला में एक प्ले करने आए थे जी <laughs> इनको याद आ गया <laughs> <laughs> पांचवा सवार जी आप और नसीर साहब दोनों जी, जी तो मुझे किसी ने कहा कि एनएसडी के बड़े अच्छे कमाल के एक्टर आए हुए हैं तो मैं भागा भागा वहां पहुंचा और मैंने किसी ने कहा कि ओमपुरी साहब का जो कॉस्ट्यूम का कोट था वो गायब है और आप बड़े अपसेट थे कि मैं उसके मैं उसके बगैर एक्टिंग कैसे करूंगा जी और मैंने आपसे कहा था जी मैं अपने पिताजी का कोट आपके लिए ला सकता हूं बिल्कुल सही है याद है याद है मेरे पिताजी ने वो कोट पहना हुआ था मैंने उनका वो बंद गले का कोट उतरवाया और आपको पहनाया था मैंने सर मैं अभी मेरी बात नहीं <laughs> तो अगर एक अनजान आदमी का अनजान लड़के का कोट इतने अच्छे कलाकार पहन सकते हैं तो मेरे हिसाब से लाइफ में कुछ भी हो सकता है अरे बिल्कुल है ना आपकी लाइफ में कोई ऐसा फैक्टर हुआ है जिसमें आप कह सकें कि यार ये हो सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है अब ये अपने आप में यही एक है कि एक छह साल का बच्चा चाय की दुकान पे चाय के गिलास धो रहा है और आज वो ओमपुरी बना बैठा है तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है क्या बात नसीर साहब आपके मैं मैं ओम का ही एग्जांपल दूंगा अच्छा क्योंकि काफी कुछ जो मैं करना चाहता था ही हैज अचीवड कौन सोच सकता था फॉर एग्जाम्पल जब हम तीनों एनएसडी में थे हालांकि उस वक्त हमारे साथ नहीं थे बट के, के हम तीनों का रास्ता इस तरह बनेगा किसको मालूम था अपने अपने रास्ते मिल ही जाते हैं और उन रास्तों पर जो भी मिले उसे एम्ब्रेस करना चाहिए क्योंकि वाकई में कुछ भी हो सकता है How wonderful. How wonderful. यहां आई स्टूडेंट ऑडियंस क्या आप चाहते हैं कि हम आपको भी एक ऐसा मोमेंट दें जिसे आप कह सकें कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो सकता है तो मैं आप में से किसी एक का नाम चुनूंगा इसमें से और जिसका नाम नसीर साहब निकालेंगे उसे मौका मिलेगा स्टेज पर आने का नसीर साहब <laughs> <laughs> प्रियंका

ये भी हो सकता है कुछ भी हाँ कुछ भी हो सकता है और यह बहुत अच्छी बात है आज मैं फकर से कह सकती हूँ कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने अचीव की है वो इनसे मिलना इनसे मिलना आपको पूरी हिसाब से कोई सवाल पूछना आ, हाँ मैं ये <laughs> पूछना चाहूंगी कि एक एक्टर एक के हिसाब से एक पॉजिटिव एनर्जी क्या कैरी करनी चाहिए क्योंकि हम एक्टर बनने वाले और बन गए तो ऐसा क्या पॉजिटिव थिंक रखे कि वो हमें हमेशा काम लगे बेटा पॉजिटिव एनर्जी ये है कि एक्टिंग आप कहाँ से सीखते हो आप जिंदगी से सीखते हो आप लाइफ को पुनर्जन्म देते हो जो सचमुच ज़िंदगी में होता है या हो सकता है या हुआ है उसको रिक्रिएट करते हो तो उसके लिए आपको जो ज़िंदगी आप देखते हो सड़कों पे अखबार के ज़रिए फिल्म के जरिए उसको आप महसूस करो उसको आप इम्बाइब करो अपने अंदर और फिर कंप्यूटर की तरह है वो आपने उसको जहन में भर लिया जब जरूरत है आप स्विच ऑन करेंगे और वो आएगा नसीर साहब से कोई सवाल पूछना चाहती हाँ, आपसे मैं जरूर यह पूछना चाहूँगी कि एक कैरेक्टर जैसे मैंने आपकी फिल्म देखी और सबसे अच्छी मुझे लगी आपकी डर्टी पिक्चर उसमें जो आपका कैरेक्टर था

ये पूछना चाहूंगी कि कैरेक्टर में आना जैसे हमें स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है बी इन दैट कैरेक्टर तो वो हम कैसे लाए मतलब एक कैरेक्टर में आना देखिए शुक्रिया एक तो आपने जो कहा उसके लिए जो भी कैरेक्टर आप करते हैं वो उसको अपने अंदर खोजना चाहिए बाहर से उसकी एक मेंटल तस्वीर बना के नहीं ओम ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिंदगी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए एज योर इनपुट ना दूसरी फिल्मों को मैं ये बात ऐड करूंगा टू व्हाट ओम सेड और अपने अंदर अगर आप खोज के देखें अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में डाल के देखें तो आपको एहसास होगा कि हर एक इंसान के अंदर हरेक किस्म का पोटेंशियल होता है एक राजा से लेकर एक भिकारी तक जितनी रेंज है इंसानों की वो हर एक कैरेक्टर का पोटेंशियल हमारे हर एक के अंदर है उसको खोजना पड़ता है प्रियंका ओमपुरी साहब की और नसीर साहब की पसंदीदा चीज आपको एक गिफ्ट के रूप में दी जाएगी आइए थैंक यू बाकी लोगों को तो ईर्ष्या हो रही है नसीर साहब, साहब, आपकी लाइफ में तो हजारों अवार्ड्स आपको मिले हैं मगर मैं अपने कुछ जज्बात एक पेपर पे डाल के आप लोगों के लिए, लिए लिख के लाया हूं। क्या बात और दोनों ताम्र पत्र पर सेम चीज लिखी है इसलिए मैं एक ही पढ़ के सुनाना चाहता हूं ठीक है और दूंगा मैं आप दोनों को यह बहुत दिल से और बहुत शिद्दत से और बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से मैंने आप लोगों के लिए लिखा मैं पढ़ के सुनाता हूं इसे भारतीय सिनेमा जगत की त्रिकाल धारा आपको हमारा सादर प्रणाम आप प्रेरणा है एक अनंत स्रोत के आपके जीवन की गहनता समझना हमारे बोध के परे है जैसे हथेली की लकीरों में हम अपनी नियति खोजते हैं वैसे ही आपके संघर्ष में अपनी उन्नति देखते हैं आप अनुशासन और अनुष्ठान की वो उच्चतम शिक्षा हैं जिसे प्राप्त करने के लिए कड़े परिश्रम की आवश्यकता है आपकी कला और आपकी प्रतिभा का अनुभव हमारे लिए सौभाग्य है आप इसी तरह हमें अपने कार्य से प्रेरित करते रहें यही हमारी विनती है अनुपम खेर थैंक यू साहब दोस्तों आज का शो जिंदगी के किसी उपन्यास से कम नहीं इन महान कलाकारों के जीवन का सफर एक अनमोल खजाना है जो आज इन्होंने हमारे साथ बांटा मुझे यकीन है कि इस खजाने से हम सबकी जिंदगी में एक नया अनुभव आएगा इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं मुस्कुराते रहिए है और याद रखिए कि पहाड़ को काट कर ही रास्ता बनता है छोटे छोटे पत्थरों से घर बनता है अगर कोयले की खान में हीरा मिल सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है थैंक यू सर